नमस्कार सारे मित्रों को। आज हम एक खाद तैयार करेंगे जो मानसून में हम सारे पौधे को में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अच्छी ग्रोथ हो। देखिए क्या होता है कि जो भी पौधे हैं बरसात में उसको बार बार फर्टिलाइजर देना पड़ता है। कारण ये है कि जो हम आउटडोर में जो प्लांट रखते हैं उसमें जब बरसात के पानी गिरता है तब वो जो हम पहले से फर्टिलाइजर देते हैं वो धुल जाता है। चूँकि बरसात में जो है पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, हम अगर उसको बार बार भी नहीं दे तब भी चल जाता है। अगर आप 15 दिन के बाद बाद एक महीने के बाद भी आप फर्टिलाइजर देंगे तो पौधे के लिए अच्छा है। इंडोर प्लांट में भी आप दे सकते हैं जो लंबे समय तक काम करेगा। आप एक बार अगर दे के रखेंगे तो बहुत दिनों तक वो फर्टिलाइजर आपका काम करता रहेगा। तो हम एक ऐसे फर्टिलाइजर बनाएंगे जिसमें सारे तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक पौधे के लिए 17 तरह की माइक्रो न्यूट्रिशंस की आवश्यकता होती है, पौधे की जो कलर है उसके लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसकी जड़ जो गले नहीं, जड़ गलन नहीं हो, निमोटोड वगैरह नहीं हो, फंगस नहीं लगे, उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। साथ में इसकी तना जड़ जो अच्छा है ये मजबूत रहे, इस तरह से हमें एक फर्टिलाइजर तैयार करना पड़ता है। तो आज हम इस तरह से एक फर्टिलाइजर तैयार करेंगे जो सारे पौधे को आप दे सकते हैं। इसके लिए देखिए हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने, ये गोबर की खाद है, काउडंग मैन्यूअर है जो बहुत पुराना है, 1.5 से 2 साल तक के। जब भी आप काउडंग का यूज करें तो कम से कम 1.5 से 2 साल पुराना हो। अगर ऐसा नहीं मिलता है, आपके पास नहीं उपलब्ध है पुराना गोबर की खाद, तो आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप किसी भी एक खाद ले सकते हैं, चाहे गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, या आप दोनों पुराना है तो उसको भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ देखिए मेरे पास है लीप मोल्ड कंपोस्ट है जो पत्तियों से मैंने बनाया था, सुखा के उसको छान के ये रखा था, वो भी है। आप किचन वेस्ट से भी बना के रखे होंगे अगर ड्राई फॉर्म में, या गार्डन वेस्ट से भी बना के रखे होंगे तो उसको भी ले सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ मैं इसमें तैयार करूँगा फर्टिलाइजर मैं यूज़ करूँगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा एक एक करके सारे फर्टिलाइजर, उसकी कौन से गुण है, उसमें कौन से पोषक तत्व पाया जाता है, उसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ पाया जाता है और हमारे पौधे पे क्या कार्य करता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बना लेते हैं, हम इसको कुछ कम कर देता हूँ, उसके बाद इसी में हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने गोबर की खाद ले लिया है, जो पुराना गोबर की खाद रखा हुआ है। देखिए जितने पुराना गोबर की खाद होता है वो उसकी कलर जो है धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है। आपने देखा होगा जो ताज़ा गोबर है वो पहले तो हरा रहता है, फिर थोड़ा ब्राउन टाइप के हो जाता है, और जैसे जैसे पुराना हो जाता है तो ये ब्लैक कलर हो जाता है। ज़्यादा जितने ज़्यादा ब्लैक होगा तो समझ जाइएगा कि वो उतना ही पुराना है, कि ये 1.5 से 2 साल पुराना गोबर की खाद है। देखिए जब भी आप गोबर की खाद लाते हैं तो उसको क्या कीजिएगा, ऐसे पॉलीथीन के अंदर इसको अच्छे से रख के इसको अच्छे से बांध के रखिएगा। इस तरह से अगर आप बांध के रख देंगे जो भी आपके पास गोबर की खाद हो, या वर्मी कंपोस्ट हो, या लीप कंपोस्ट जो भी बनाते हैं, इस तरह से बना के रख देंगे बांध के, थोड़ा सा पानी डाल के उसमें छींटे मार के उसको बांध के रखेंगे तो वो और भी पावरफुल होता है और धीरे धीरे जो है वो अच्छे से कंपोस्ट बन जाता है। तो अगर आपको लगता है कि ये ताज़ा है तो उसको आप इस तरह से बांध के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोबर की खाद लिया है, चूँकि मुझे थोड़ा ज़्यादा बना के रखना है 2-3 महीने तक के लिए, बरसात भर के लिए एक ही बार बना के रखूँगा और बरसात भर इसको यूज़ करते रहेंगे। छोटे पौधे को आप 2 चम्मच दीजिए, बड़े पौधे को 2-3-4 चम्मच दीजिए, जैसे जैसे पौधे हो उस तरह से आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो ये जो गोबर की खाद है काउडंग मैन्योर है, ये NPK का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के अलावा कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिशंस पाया जाता है, जो मैं आपके साथ राइटिंग में आपको शेयर करूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट वो भी मिला रहा हूँ, इसलिए मिला रहा हूँ कि ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये गोबर की खाद से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। ये 2 बार ये फिल्टर होता है, ये आप सभी जानते होंगे किस तरह से ये वर्मी कंपोस्ट बनता है, केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लिया। आप खाली एक ही गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से भी बनाएंगे तो उसमें
कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने हल्का सा इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास लीप मोड कंपोस्ट हो या ड्राई और भी कोई भी कंपोस्ट हो, किचन वेस्ट का, गार्डन वेस्ट का, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ गोबर की खाद ले लिया है। देखिए ये गोबर की खाद तो सूखा हुआ है पूरा, और वर्मी कंपोस्ट भी सूखा हुआ है, फिर भी हम सेफ्टी के लिए इसमें थोड़ा सा राख मिलाएंगे। राख में क्या है, एंटी फंगस का भी काम करेगा, वुडन ऐश जो एंटी फंगस का भी काम करेगा, साथ ही साथ ये जो है इसमें कैल्शियम और पोटेशियम बहुत अच्छे मात्रा में मिलता है। और कैल्शियम और पोटेशियम जो है ये पौधे के फल और फूल लाने में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ट्रीटमेंट के हिसाब से वुडन ऐश का यूज़ कर लिया है, तो इसमें फंगस भी नहीं रहेगा और ये हमारा अच्छा खाद का भी काम करेगा। इसमें हम मिलाएंगे अब थोड़ी सी नीम खली। देखिए नीम खली जो है इस तरह से दानेदार लीजिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे स्लो रिलीज होगा और इसमें जो भी फंगस, बैक्टीरिया, नेमेटोड, जो जड़ गलन होती है, इस तरह नीम की खली से आपको ये नीम की खली जो है ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस, एंटी नेमेटोड का काम करता है। साथ में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर होता है और ये पौधे की जो पत्तियां है उसको हरा रखता है, जड़ को भी अच्छा ताकत देता है। नीम की खली मिला दिया है। देखिए मैं यहाँ मिलाऊंगा ट्राइकोडर्मा, ये जो एक जैविक फंगस है, जैविक कवक है, जो इसके साथ होके मल्टीपल होके वो अपने आप में एक और कवक तैयार करता है, और जो इसमें पुराने अगर किसी तरह से बैक्टीरिया फंगस हो तो उनको ख़त्म कर देता है और ये मल्टीप्लाई होता रहता है। इसमें जैसे ही थोड़ा सा पानी डालते हैं तो उसमें धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया कवक है वो मल्टीपल होके अपनी संख्या को बढ़ाता रहता है। तो मैं यहाँ एक दो चम्मच यूज़ कर रहा हूँ। अगर ट्राइकोडर्मा के यूज़ करते हैं तो ये आप साफ फंगिसाइड बिल्कुल यूज़ मत कीजिएगा, ये केमिकल होता है और केमिकल और जो ऑर्गेनिक है वो कभी भी क्रिया नहीं करता है, ये एक दूसरे को नष्ट कर देता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है ट्राइकोडर्मा, यहाँ मैं साफ फंगिसाइड का इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। साफ फंगिसाइड अगर मैं इसमें डालता हूँ तो ये मेरे जो ट्राइकोडर्मा है ये कोई काम नहीं करेगा, इसको खराब कर देगा। देखिए इसमें आप लेंगे थोड़ा सा बोन मिल में जो है इसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम पोटेशियम की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। ये हमारे जो पौधे हैं इसके स्टेम को मजबूत करता है, साथ में फल और फूल लाने में ये बहुत अच्छा कारगर होता है। तो आप थोड़ा सा बोन मिल अगर यूज़ करते हैं तो बोन मिल यूज़ कर दीजिए, अगर बोन मिल अगर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो रॉक फास्फेट यूज़ कर सकते हैं। आपको दुकानों में जो खाद बीज की दुकान है वहाँ पे रॉक फास्फेट मिल जाएगा, वहाँ भी नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप मंगवा लेंगे तो आपके सेम वही प्राइस पड़ेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बोन मिल मिला दिया है, ये भी एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़े से इसमें भी दानेदार है, तो वो क्या होगा धीरे धीरे स्लो रिलीज होता रहेगा, हमारे पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व देता रहेगा, हमें बार बार देने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पे आप चाहे आपके पास अगर इस तरह से एग शेल्स के पाउडर अगर बना के रखे होंगे, एग शेल्स को भी कभी भी आप उसको बड़े टुकड़े में मत दीजिए, वो गलता नहीं है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पाउडर टाइप के बना लीजिएगा और उसको देंगे तो ये भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ये पौधे के विकास बड़ा जल्दी करता है, पत्तियों को हरा रखता है, तने को मजबूती देता है, प्रचुर मात्रा में कैल्शियम मिलता है इससे। तो आपके पास हो तो आप ये डाल सकते हैं। ये जो सारे चीज़ें मैं डाल रहा हूँ ये लंबे समय तक धीरे धीरे स्लो रिलीज होता रहेगा और हमारे पौधे को अच्छा न्यूट्रिशंस देता रहेगा, जो 17 तरह के न्यूट्रिशंस है वो सारे चीज़ मिलता रहेगा। देखिए इसमें मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा एप्सम साल्ट, बहुत ही कम मात्रा में ले रहा हूँ। एप्सम साल्ट इसलिए ले रहा हूँ कि ये जो हमारे पौधे है इसको शॉक से बचाता है, साथ में ही इसके तने और पत्तियों को भी अच्छा हरा रखता है, ये पौधे के विकास में अच्छा काम करता है और जड़ जो है उसको अच्छा मजबूती देता है, जल्दी से जड़ गलन नहीं होता है। इसमें अगर आप चाहे तो थोड़ा सा सीवीड एक्सट्रैक्ट मिला सकते हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिशंस है जो बहुत ही पावरफुल काम करता है और ये दाने के रूप में ग्रैनुल्स के रूप में है, सीवीड ग्रैनुल्स जो दाने के रूप में है, ये धीरे धीरे आपके पौधे में ये रिलीज होता रहेगा मिट्टी के साथ और आपके पौधे को लंबे समय तक माइक्रो न्यूट्रिशन प्रदान करते रहेगा। अगर आप बार बार
फर्टिलाइजर देते हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी, ये लंबे समय तक काम करता है। आप बरसात के दिनों में बहुत कम और धीरे कई दिनों के बाद भी फर्टिलाइजर देंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसे ही पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, इसमें सिर्फ आपके डोरमेंसी पीरियड में पौधे की ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है, और जब तेज गर्मी रहती है, धूप ज़्यादा रहता है, तेज गर्मी और तेज जब ठंड रहता है, उस स्थिति में पौधे जो है उसकी विकास रुक जाता है। बाकी डोरमेंसी पीरियड के बाद समर सीजन में और ये मानसून में बरसात के दिनों में पौधे की ग्रोथ जो है वो ठीक होने लगता है। लेकिन आपको लगता है कि कोई किसी पौधे को फर्टिलाइजर की देने की ज़रूरत है, उसमें पत्तियाँ पीला हो रहा है, फ्रूटिंग नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इस तरह से आप एक खाद बना के रख लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। साथ ही इसको क्या कीजिएगा, हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा, इसलिए हम क्या करेंगे, पानी से थोड़ा थोड़ा सा इसको गीला कर देंगे। ट्राइकोडर्मा जब भी आप डालें तो थोड़ा सा उसमें गीला करके रख दीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि वो ट्राइकोडर्मा जो है वो मल्टीपल होता रहेगा और उसके अपनी संख्या बढ़ाते रहेगा इसमें। और इसको मिला के अच्छे से, इस तरह से अच्छे से मिला दीजिए, और ये फर्टिलाइजर जो है वो आप रख लीजिए। आपके जो पौधे हैं उसमें छोटे पौधे एक चम्मच, दो चम्मच दीजिए, बड़े पौधे में दो तीन चम्मच दीजिए, तो ये फर्टिलाइजर आपके जो पौधे के लिए है बहुत ही अच्छा काम करेगा। इसको कोई भी पौधे को अब इस तरह से एक चम्मच दे दीजिए, छोटा पौधा है तो उसको एक चम्मच दे दीजिए, और बड़ा पौधा अगर इस तरह से बड़ा हो दो चम्मच दीजिए, बहुत बड़ा हो दो तीन चम्मच दे दीजिए इसमें, तो बहुत ही अच्छा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा पौधे में। आप भी अपने घर पे इस तरह से तैयार कीजिए, और अब तैयार करके रख लीजिए, लंबे समय तक के ये काम करेगा, दो तीन महीने तक के लिए आप उसको बार बार देने की ज़रूरत नहीं होगी, दो तीन महीने तक के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।